क्या चाल, सत श्री अकाल। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन अभी आने वाले हैं, किसी को भी अपने कॉम्पिटिशन की प्रेप करनी है तो हमारे को डीएम कर सकता है इंस्टाग्राम पे, टीम प्रिंस नरवाल के साथ जुड़ सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये गाइस देखो, ट्रांसफॉर्मेशन में सबकी पूरी वॉल भरी पड़ी है। आई वांट द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर बॉडी बिल्डर्स एथलीट्स। सॉरी गाइज, कैसे हो सब? मेरा नाम प्रिंस, आप देख रहे हैं मसल जोन व्हील्स। तो गाइज, जैसे कि पिछली सर्दी जब स्टार्ट हो रही थी तो हुमा पेप्टाइड्स लेके आए थे हम, तो इस सीजन भी सर्दियों में पेप्टाइड्स आने वाले हैं, बहुत तरह तरह के पेप्टाइड्स आने वाले हैं। और मेरी जितनी भी रेंज है पेप्टाइड्स की, हजारों लोगों की मदद करी है उसने, चाहे जिनकी इंजरी हो, जिनको डॉक्टर ने रिकमेंड किया हो, चाहे वो बॉडी बिल्डर हो, एथलीट्स हो, कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे वो एजड पर्सन हो, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो जो मर्जी हो, मेरी वीडियोस के थ्रू, पेप्टाइड्स के थ्रू जो हम प्रोवाइड करते हैं, जो हम बताते हैं नॉलेज के थ्रू, हजारों लोगों की हेल्प हुई है और हजारों रिव्यूज हमारे पास इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हो। तो कि हमसे ऑथेंटिक चीज़ कोई प्रोवाइड करता नहीं इंडिया के अंदर, ए ग्रेड क्वालिटी, ठीक है। तो ऐसे ही अभी स्टार्ट हुई है। तो अभी वैसे इन्फॉर्मेशन देता हूँ, प्रोडक्ट बाद में दिखाता हूँ। अभी एक पेप्टाइड है जो कि लीन होने में हेल्प करता है, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ाता है, आपके स्केलेटन स्ट्रक्चर को बढ़ाता है, मसल मास और वॉल्यूम को पुट ऑन करता है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, उसको साइड रख देते हैं। तो अभी क्विक अपडेट्स हैं, जैसे हुमा की एडवांस सीरीज आती है, हुमा की मिक्स पेप्टाइड सीरीज आती है, एडवांस पेप्टाइड सीरीज आती है, और अब हुमा की एक प्रो सीरीज आ रही है जो कि स्पेशली एक प्रो लीग के एथलीट के लिए होगी, जो प्रो बॉडी बिल्डर्स हैं, प्रो एथलीट्स हैं, उनके लिए होगी, क्योंकि उनको एक हाई पोटेंट ड्रग और हाई पोटेंट ये सप्लीमेंट्स और इन सारी चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती जो कि उनको मिल नहीं पाता। तो एक स्टेप हुमा ने और निकाला है, थोड़ा एक्सपेंसिव होगा मगर इसकी पोटेंसी नेक्स्ट लेवल होगी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें आएंगे, प्योरिटी इसकी बहुत ज़्यादा होगी, मिक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और एब्जॉर्ब होना इसका बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा क्विक होगा, बहुत ज़्यादा फास्ट रिजल्ट होंगे इनके और लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे। तो ये प्रो सीरीज अभी हुमा की आने वाली है, अभी निकली हुई है, इंडिया आने में 35 to 45 days या 30 days लगते हैं। तो उसके साथ साथ ह्यूमंगस फार्मा का भी सामान आने वाला है, कुछ स्लिम बुलेट आने वाली हैं, फैट ब्लड आने वाला है, प्री वर्कआउट आने वाला है, और एक दो ब्रांड्स का और सामान आने वाला है, एनहेंसमेंट भी आएगा, सप्लीमेंट्स भी आएंगे, तो काफ़ी कुछ आने वाला है इस विंटर्स। तो भैया सर्दियों में बॉडी बनती है, मतलब बनती तो किसी भी सीजन में, पर सर्दियों में जो मज़ा आता है ना बॉडी बिल्डिंग करने का, और जो खाने में सब्जियां मिलती हैं, वो धूप भूख नहीं लगती, जब मर्जी आप जा सकते हो, जैकेट्स पहनते हो, कूल कूल टी शर्ट्स पहनते हो, बढ़िया बढ़िया लग्जरी, तो सर्दियों का मज़ा ही अलग है। और सर्दियों में फिजिक बनाने का मज़ा बहुत अलग आता है, क्योंकि एपेटाइट भी बड़ी अच्छी होती है आपकी और खाना भी शरीर पे प्रॉपर लगता है। तो यही अपडेट्स थे, हुमा की प्रो सीरीज आ रही है और ह्यूमंगस का थोड़ा बहुत सामान आ रहा है, और भी कुछ ब्रांड्स का थोड़े थोड़े सामान आ रहे हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के, जो कि इंडिया में कोई अवेलेबल नहीं कराता, ए ग्रेड क्वालिटी, जेन्युइन क्वालिटी, नेक्स्ट लेवल रिजल्ट्स आप सब लोगों के लिए। तो प्रो सीरीज में काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी प्रो एथलीट्स के लिए, जो कि उसके ऊपर हम अलग से लीग में वीडियोस बना देंगे, जैसे हुमा की और बनाई थी। तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लीन जीपी हुमा पेप्टाइड, जूम हो जा मेरा। सो यह लीन जीपी 5 हुमा पेप्टाइड का, तो ये ऐसी पैकिंग आती है इसकी, बड़ी सुंदर सी, इसकी वजह से डुप्लीकेसी आ गई है, कार्डबोर्ड से पैकिंग होती है वो डुप्लीकेसी हो जाती है, तो उसको खोल के मैं दिखा देता हूँ। सो ये रहा लीन जीपी 5, ये ऐसे होता है, यहाँ सील लगी होती है इसकी, ठीक है। तो लीन जीपी 5 में 5 ml की वाइल होती है इसमें, 5, और एक 10 ml की इसमें वाटर होती है, तो 6 vials होती है टोटल, एक में पानी होता है 10 ml, बाकी में पेप्टाइड्स होते हैं, तो 2 ml पानी डलता है, पानी डालने का उसको फ्रिज में रखना पड़ता है, उसकी डोजेस वगैरह डिपेंडिंग ऑन योर एज, वेट, हाइट, करंट कंडीशन एंड योर गोल्स एंड ऑल, ठीक है। तो इसमें आइपामॉर्लिन है, आइपामॉर्लिन के रिजल्ट्स आप मेरे, मतलब आप सबको ज़्यादातर पता ही होंगे जो मेरे को फॉलो करते हैं बहुत टाइम से, और जो पेप्टाइड यूजर्स हैं उनको पता होगा आइपामॉर्लिन क्या काम करता है। इसमें पैक MGF है और CGC विद डैक है, तो उसमें समझ लो 4 पेप्टाइड का मिक्सचर हो गया, क्योंकि पैक भी अलग आता है, MGF भी अलग आता है। इसमें पैक MGF प्लस है, इसमें आइपामॉर्लिन है, तो CGC है, कॉम्बिनेशन में देखा जाए तो 3 पेप्टाइड है, इसमें देखा जाए तो, वैसे देखा जाए तो साइंटिफिकली, तो उसमें 4 पेप्टाइड है, उसमें विद डैक है, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पेप्टाइड है लीन मसल मास गेन पुट ऑन करने के लिए, सिमेट्री अच्छी करने के लिए, वॉल्यूम बॉडी में मसल को
ग्रो करने में, 3D करने में, और हड्डियां, बोन डेंसिटी और उसमें मास ऐड करने में बहुत हेल्पफुल करता है। तो काफी सारे जो लोग कटिंग करते हैं ना, उसमें यही दिक्कत आती है कि हाथ पैर में दर्द होता है और ये चूचाच की आवाज आती है, और जब वो डिप्लीशन में होते हैं या स्टेज पे होते हैं, क्रैम्प वगैरह बहुत आते हैं, और उसके बाद जब वो ऑफ साइकिल आते हैं, ऑफ सीजन आते हैं, तो ऑफ सीजन में उनको रिकवरी में भी कम से कम 2-2.5 महीने लग जाते हैं। तो ये पेप्टाइड लेने से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हड्डियां, स्केलेटन स्ट्रक्चर मजबूत ही रहेगा, क्योंकि विनस्ट्रॉल हो गया, ये बाकी जो ड्रग्स होते हैं ऐसे डरोक्टिक वगैरह टाइप के, तो ये आपकी हड्डियां भी सूख जाती हैं, हड्डियों का पानी, हड्डियों की फ्यूल और बहुत कम हो जाती है। तो आपकी बॉडी में जो भी कोलेजन वगैरह का काम है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये पूरी कर देता है। तो आपको एक तो पावर भी रहेगी आपकी बॉडी में, स्ट्रेंथ भी रहेगी, स्टेमिना भी रहेगा आपकी, एकदम लुब्रिकेटिंग भी रहेंगी आपके सारे मसल जॉइंट्स और लिगामेंट्स टेंडन्स, आपको इंजरी का कोई डर नहीं रहता। प्रोटीन सिंथेसिस आपकी बॉडी में बढ़ाता है, जो बॉडी में आपकी रिपेयरिंग जो सेल्स रिपेयरिंग पावर होती है, वो हीलिंग पावर होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सारी 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मतलब नेक्स्ट लेवल। तो जब जो इसको यूज़ करता है उसको पता होता है कि भैया हाँ ये क्वालिटी है, ये क्या चीज़ है और ये मेरे को क्या बेनिफिट देती है। नॉर्मल साइकिल जो टेस्ट डेकर ट्रेन फलाना ढमकाना है तो बहुत लोग चला लेते हैं, मेरे एक अच्छी हेल्थी सेफ साइकिल तो मैं तो ये ऐड होना बहुत जरूरी, जो कि एक प्रो एथलीट को, एक फर्स्ट एथलीट को जो फर्स्ट आता है, सेकेंड आता है, थर्ड आता है, उनको अलग बनाती है बाकी जो 500,000 लोग जो कॉम्पिटिशन में खेलते हैं और फर्स्ट एक ही आता है, तो उनको अलग बनाती हैं। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनको चैंपियन बनाती हैं, बाकी तो उनकी मेहनत लगन मगन है ही, पर उनके कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो लोग कहते हैं मैं भी यही डाइट खा रहा हूँ, अंडे चिकन खा रहा हूँ, मैं भी यही वर्कआउट कर रहा हूँ, स्प्लिट यही फॉलो कर रहा हूँ, मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ, शाम को वर्कआउट करता हूँ, बट उसकी फिजिक ऐसी होती जा रही है, मेरी मैं थोड़ा डल पड़ता जा रहा हूँ, या मेरी हड्डी पैर में दर्द हो रहा है, वेट लिफ्टिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो भैया वो प्रिंस गरेवाल को जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो इसलिए वो कुछ ऐसा अचीव कर पा रहे हैं। तो यही है, नॉलेज की बात होती है, बाकी आपके कोच की बात होती है, कोच पर डिपेंड करता है कि वो आपकी प्लान कैसे पैक कर रहा है, बना रहा है और आपको बता रहा है आपकी बॉडी कैसे कैसे चेंज हो रही है और आपको सारी चीज़ें समझा रहा है। वैसे समझाता तो नहीं है कोई भी कोच, बट जो आपको बता रहा है तो समझो, वो आपको कुछ खर्चा बता रहा है तो उसको खर्च करो, अपनी बॉडी पर लगाओ, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो कोई चीज़ अचीव करने के लिए ही कर रहे हो, ठीक है। अगर उसमें 20-25 हज़ार रुपये फालतू लग रहा है तो लगाओ ना, वरना मेहनत क्यों कर रहे हो। तो एक महंगा स्पोर्ट है, इसमें काफ़ी पैसा लग जाता है, डाइट में बहुत खर्चा है, फिर जिम की फीस है, फिर ट्रांसपोर्टेशन है, फिर अपना डाइट है, पता है मतलब बहुत खर्चा इस लाइन में। तो चलो ये बात को साइड रखते हैं। तो इसमें आइपामॉर्लिन है, वही है, स्केलेटन स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, पावर एंड स्टेमिना देता है, फैट कम करता है, फैटी को लेवल आपका बॉडी फैट परसेंटेज डाउन करता है, मसल बनाता है, 3D लुक देता है आपको, श्रेडेड भी लगते हो आप एज वेल एज, और आप बड़े भी लगते हो, इससे रिप्ड नहीं होते आप, मतलब आपका फैट लॉस होगा और आप वॉल्यूम वाइज आप बड़े लगोगे, आपके डेल्ट बड़े लगेंगे, आपकी कमर छोटी लगेगी, आप बॉडी टाइट लगेगी, क्रिस्प लगेगी, और वॉल्यूम ऐड होती जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, डेल्ट भारी होते रहेंगे जो एक मैन फिजिक में चाहिए, क्वाड्स आपके हैवी होंगे जो एक बॉडी बिल्डिंग में या क्लासिक फिजिक में चाहिए होते हैं, और एबडोमिनल एकदम शार्प होगा, टाइट होगा, गटी नहीं होगा कि बाहर निकल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का हो जाता है ड्यू टू ज़्यादा अब्यूज़ कर लेते हैं, या उनको बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, वो अगर पैग MGF है वही मसल रिकवरी के लिए, रिपेयर के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस लेवल बढ़ाने के लिए, CGC है, CGC की मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये VidDAC है, VidDAC के बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं, एक्टिविटी लेवल वगैरह, रिपेयर लेवल, प्रोटीन सिंथेसिस लेवल, खाना जो खाओ शरीर में लगेगा, मसल मास मॉन्स्टर आपको बना देता है, रिकवरी करता है, इंजरी नहीं होती आपको, और भी इन्फ्लेमेटरी जो भी इनके इफेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, आप खुद इसको रिसर्च कर सकते हो, गूगल पे बहुत सारे इसमें आर्टिकल्स वगैरह मिल जाएंगे। पर्सनली मैं आपको बता रहा हूँ जो इसके रिजल्ट्स हैं बहुत अमेजिंग है, इवन बहुत सारे फिजिशियंस यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 साल से 2 साल से यूज़ हो रहा है, 5-6 साल से ये इंडिया में आ रहा है, धीरे 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 इसकी क्वालिटी और परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है कंपनी के थ्रू। पिछले साल क्वालिटी कुछ और थी, इस साल जो क्वालिटी आएगी वो कुछ और ही होगी आने वाले टाइम में जो आएंगी भैया, क्योंकि साइंस बढ़ती जा रही है, केमिस्ट्री ये सब बढ़ती जा रही है, जो मशीन्स होती हैं सारी चीज़ें ये बढ़ती जा रही है, इवॉल्व हो रही है इंडस्ट्री, तो एवोल्यूशन में आप साथ दोगे, और अभी भी पुरानी चीज़ों में अटके रहोगे ना कि पुराना है भैया ये ब्रांड आती थी ये चाहिए, तो भी आप अपना खुद कटवाओगे, नई चीज़ें पे स्विच करो, एडवांस चीज़ों पे स्विच करो, क्योंकि उन पे काफ़ी रिसर्चेज हो रही हैं, क्योंकि जो 30-40 साल 20 साल पुरानी स्टडीज़ थी, रिसर्चेज थी जो हुई है ना, आज के टाइम में 2022 में 2023 में फेल कर आ रही हैं कि भैया ये अनअप्रूव्ड है, ये ऐसा तो कुछ भी नहीं होता, उस टाइम की स्टडी थी वेल नहीं है, बहुत सारी स्टडीज़ फेल हो गई हैं आज के टाइम पे। तो प्लीज़ 2010 में 2015 में या 2019 में भी कोई ऐसा माल आता होगा जो अब नहीं आता, अब आप कॉपी खरीद रहे हो, जो कि बहुत लोग खरीदने में बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो उन लफड़ों में मत पड़ना, ठीक है। जो भी नई चीज़ें आती है ना उसमें हमेशा स्विच करो, क्योंकि नई चीज़ में हमेशा पावर, पोटेंसी,
क्वालिटी हाई होगी, पहला ग्रेड दूसरा ग्रेड हमेशा अप होगा, और सेकेंडरी जो ये पहला दूसरा बैच आता है ये बहुत हाई क्लास और बहुत बढ़िया होता है। तीसरे चौथे क्लास में ब्रांड जो आते हैं, लॉट आते हैं 6 महीने बाद 8 महीने बाद, उनमें क्वालिटी थोड़ी बहुत हल्की हो सकती है, जो कि मैंने देखा है हर ब्रांड ये करते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं हर ब्रांड। जब उनकी मार्केट वैल्यू हो जाती है, इन्वेंट्री बन जाती है उनकी, वहाँ माल वाल आने लाने लग जाता है ईजिली, तो जब उनकी मार्केट बन जाती है, लोग उनका माल डिमांड करने लग जाते हैं, तो हर कंपनी कॉस्ट कटिंग करती है, माल थोड़ा हल्की क्वालिटी का भी लगता है, क्योंकि तब बिक रहा है यार माल, अब लोग जानते हैं, लोग खरीदेंगे, तो ये हर कंपनी करती है तीसरे चौथे लॉट में के बाद, या चौथे तीसरे लॉट में करने लग जाते हैं। तो पहला दूसरा लॉट हमेशा पकड़ लिया करो, जब भी किसी भी ब्रांड का है बिना सोचे समझे पकड़ लिया करो, उठा लिया करो, वो बढ़िया रिजल्ट देगा आपको, चाहे वो फुदू से फुदू ब्रांड क्यों ना आज के टाइम में, जैसे बिग मसल और भी ब्रांड्स हैं, मसल टैग भी बहुत बड़ा फुद्दू आता है आज के टाइम पे, लोग खुश होकर ले रहे हैं 4,000 रुपये का ऑन हो गया, बहुत सारे ब्रांड है, चलो इनके हटाते हैं। तो ये आइपा मॉर्लिन है, तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, सॉरी आइपा मॉर्लिन CGC विद डैक और पैग MGF, तो लीन मसल मास गेन करता है आपका, फैट लॉस भी करता है, और पावर स्टैमिना भी आपको देता है, बोन डेंसिटी बड़ी अच्छी करता है, मास में मसल में मास वॉल्यूम 3Dness ये बढ़ाता है। तो आइपा मॉर्लिन के ऊपर ये वीडियो थी, तो इंजरी के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं, और सुन दिस विंटर धमाका आने वाला है दिवाली के बाद, पहले दिवाली से पहले हम सोच रहे थे, पर कंटेनर आना जाना, टैक्स वैक्स फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो थोड़ा दिवाली के बाद आएगा ये, 10-15-20 दिन बाद या 30 दिन बाद, पर जब भी आएगा भैया बहुत तगड़ा धमाका होगा और बहुत कुछ होने वाला है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को लेके, काफ़ी सारे ब्रांड का सामान आ रहा है, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक सामान आ रहा है, और फर्स्ट फर्स्ट लॉट आने वाले हैं, तो बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत अमेजिंग रहेगा। तो ऐसे ही प्यार करते रहो, फॉलो करते रहो, जितने भी मेरे एथलीट्स भाई हैं, बॉडी बिल्डर भाई हैं, ऐसे ही फ्लैक्स करते रहो, कॉम्पिटिशन खेलते रहो, और अपना अपने घर वालों का इंडिया का नाम रोशन करो, और आपको कोई दुख तकलीफ हो या कुछ हो तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और यही था इस वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी वीडियो कर दो लाइक, कमेंट में कुछ पूछना तो पूछ लो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा दो, तब तक के लिए पुरानी वीडियोस देख लो, पुरानी वीडियोस में बहुत नॉलेज मिल जाएंगी आपको, बहुत भंडार मिल जाएगा, सारे टॉपिक्स पर वीडियो कवर कर दिए हमने ऑलमोस्ट, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।